बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सवाल सरकार। सो गाइस, आज की वीडियो मेरा बनाने का टॉपिक ये है कि मैं आज की वीडियो में 44 बोर का रिव्यू करूंगा प्रॉपर, और इसकी मैं कुछ आपको अच्छाइयां तो बताऊंगा, लेकिन इसकी मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बुराइयां भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे हर इंसान में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां होती हैं, वैसे हर वेपन में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही खास बुराइयां हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फर्स्ट लुक दिखाऊंगा। ये इसकी फर्स्ट लुक है, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट लुक है। जैसे कि ये पाकिस्तान वालों ने ही बनाई है, तो इसके ऊपर भी मेड इन पाकिस्तान जो है वो लिखा गया है, क्योंकि 44 बोर पाकिस्तानी बोर है। क्योंकि ये बोर असल में इसकी आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाने की भी वजह बताऊंगा कि ये बोर आखिर बनाया क्यों गया है। 44 बोर जर्मन का एक बोर आता है, 0.44 बोर, जिसकी बोली तकरीबन इस 44 बोर से काफी हद तक बड़ी है, और वो जर्मन का बोर है, वो पाकिस्तानी बोर नहीं है। तो पाकिस्तानी बोर नहीं है, इस वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तानियों ने क्या किया है कि उसकी कॉपी की है, पर इन्होंने 44 बोर उससे थोड़ी सी छोटी गोली बना दी है, बना के AK-47 जो ओरिजिनल AK-47 थी उनको क्या किया है, पीस यहाँ से काट के बैरल का, काट के अपना नया पीस लगा के उसके ऊपर 44 बोर का रैमर लगा के, 44 बोर की मैगजीन लगा के 44 बोर बना दिया है। अब इसका नुकसान क्या हुआ है कि ओरिजिनल AK-47 का तो लाइसेंस नहीं बनता। हमारी तो सबसे ज्यादा जो मेन जो परेशानी वाली बात है कि AK-47 का लाइसेंस बनता है तो बहुत ज्यादा महंगा बनता है। इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि अपनी ओरिजिनल 74-75 जो है, ओरिजिनल रशियन जो है, चाइना की रूसी क्लच ने जो है उनको क्या किया है कि उनके पीस कटवाए, कटवा के हमने 44 बोर में कन्वर्ट करवा दिया दरे वालों की बातों में आके। अब क्या हुआ कि हमारी जो ओरिजिनल गन्ने जो है ना उनका खाना खराब हो गया। उनका खाना खराब किस तरह से हो गया, 44 बोर की गोली पाकिस्तानी है, या वाह वाले बना रहे हैं, साकिब वाले बना रहे हैं, या उसके बाद वो वाले बना रहे हैं, एक डंगर के गोल से बंद पाकिस्तान में रही है, इसकी गोली ही में नाकाम, इसके नाकाम होने की वजह इसकी गोली है, क्योंकि वलैती गोली आती नहीं है। अगर वलैती गोली आती हो तो चलो इसके अंदर बंदा चला के देसी हथियार हो, वलैती गोली हो तो चल जाती है, गुजारा काफी अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन जब इसकी वलैती गोली नहीं आती तो जाहिर सी बात है इसने कहाँ चलना है, देसी गोली कितनी चल जाती है, कोई नहीं चलती। अक्सर लोग कहते हैं कि इसके अंदर मोटे पटाखे वाली गोली चलाएं अच्छी चलेगी, बारीक पटाखे वाली चलाएं अच्छी चलेगी, या साकी वालों की चलाएं, यार ये कोई नहीं चलती। ये गन्ने गुजारा है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्डों के लिए हो गया, या किसी भी जगह की सिक्योरिटी के लिए ये हो गया, जस्ट ये गन्ने गुजारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। अब इस गन को ज्यादातर कौन लोग रखते हैं, ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड किसी भी फ्रेंचाइज के जिन्होंने लाइसेंस बनवा लिया, जो लोग बेचारे फंस गए वो ये गन रखते हैं, उसके अलावा इसको कोई बंदा भी गन नहीं रखता। तो इससे ज्यादा इसकी हम डिटेल नहीं देते, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो।